मेरे पास में है। इसको ऑर्गेनम बुल्गार या ऑर्गेनम माजोराना इस दो नामों से हम जानते हैं। दो प्रजातियां इसकी होती हैं और स्वीट मार्जोरम भी बोलते हैं। ये स्वीट मार्जोरम का जो पौधा है ये अपने आप में बहुत सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं। आज हम इसके उन्हीं औषधीय गुणों के संदर्भ में बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी पहचान। वैसे तो मरुआ कौन नहीं जानता हमारे देश में। दो प्रजातियां इसकी होती हैं, आप देख रहे हैं एक की जो फूल है वो इस तरह से, इसकी मंजरी जो है वो इकट्ठी हुई हुई है, आप देख रहे हैं जैसे एक फूल की तरह से ये छोटी छोटी फैली हुई हैं। दूसरा आप देख रहे हैं ये तुलसी की तरह से ये लंबाकार में है। यही दो प्रजातियां मुख्यतया इसमें मिलती हैं, हालांकि एक दो प्रजातियां और भी होती हैं और स्थान के भिन्नता से इसकी पत्तियों में भी थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। कहीं कहीं जैसे ये थोड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं तो कहीं ये थोड़े छोटे पत्ते भी होते हैं। हालांकि मेरे पास पीछे भी इसी का ही ये खेत है, तो आप देख रहे हैं ये पीछे के पौधे थोड़े से छोटे हैं। तो ये मरुआ घर में आप लगाते हैं तो इससे जो रोग के जीवाणु हैं, क्योंकि यह पौधों की विशेषता है, आजकल बहुत तरह के बैक्टीरिया और वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है आदमी की वो कम हो रही है, तो वो जब इस तरह के सुगंधित औषधीय पौधों को यदि हम लगाते हैं घर के आसपास, तो उसकी जो सुगंधी है, उसकी जो खुशबू है, उससे भी बहुत सारे रोगाणुओं से हम बच सकते हैं। बहुत सारे जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया है, उनका जो इन्फेक्शन होने की जो संभावना है या उसके द्वारा आदमी जो रोग ग्रस्त होने की जो संभावना है, उसकी संभावना कम हो जाती है। और इस तरह के खुशबूदार पौधों को यदि आप मरुए की एक एक गमले को इसको उठा करके यदि आप रख देते हैं अपने घर के पास में या अपने ऑफिस के बाहर या घर के जहां से आप प्रवेश करते हैं गेट पर, तो घर के अंदर खुशबू भी इससे फैलेगी अंदर तक और आपको अच्छा लगेगा। वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग तुलसी को पवित्र मानते हैं, मरुआ को भी पवित्र माना जाता है। कई धर्मों में, मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या दूसरे धर्मों में भी इसको पवित्र माना गया है। तो ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छा पौधा है।